हमेशा पूर्व से निकलता है, लेकिन चांद का कोई भरोसा नहीं, कौन से ब्यूटी पार्लर से निकल कर आ जाए। हंसते रहा करो, नाचते रहा करो, मेरा क्या जाता है, लोग आप ही को पागल समझेंगे। मेरे दुख सुनोगे तो आप भी रो पड़ोगे। भंडारा चल रहा था, अंदर गई तो हलवा खत्म, बाहर आई तो चप्पल गया। ओए, तू अकेले बैठ के यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बोर हो रही हूँ। बोर हो रही है, चल फिर मेरे साथ मूवी पे आते हैं एंजॉय करके। यार पर मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे पागल, कैसी बातें कर रही है, पैसे नहीं तो क्या हुआ, मैं अकेला चला जाऊंगा मूवी देखने। और बता, पढ़ाई कैसी चल रही है? यार उसकी हालत बहुत खराब है, अब वो बेचारी चल ही नहीं पा रही। कल मम्मी खाने में नमक डालना भूल गई, इधर मैं दिन भर टेंशन में कि स्वाद ही नहीं आ रहा दे काम से। कोरोना के डॉक्टरों का ड्रेस देखा है, लगता है चांद पर जा रहे हैं, फिर भी उनको कोरोना हो जाता है। और एक हम लोग हैं, 20 रुपए का मास्क पहनकर ऐसे घूमते हैं जैसे दबंग के चुलबुल पांडे हम ही हैं। शक्ल देखिए अपनी, शक्ल बावली, हमारा आधार कार्ड भी ना तेरी फिल्टर वाली फोटो से सुंदर है। सुनना रे, मैं घर की साफ सफाई कर रही हूँ, घर से क्या क्या बाहर निकालूं? एक काम कर, सब बाहर निकाल रहे घर से। फिर तू कहाँ रहेगी रे पागल? एक दिन सब डिप्रेशन में चले जाएंगे, बस रिंकिया के पापा हंसते रहेंगे। तुम्हारी फीलिंग्स तो दूर की बात, मैं तो अपनी हैंडराइटिंग भी नहीं समझती। क्या हुआ, हो गया 100% डाटा खत्म? जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि पंखा चलेगा तो हवा जरूर आएगी। अच्छी, लगता है मुझे कोरू हो गया है। कोरू? ये कोरू क्या है? कोरोना को प्यार से मैं कोरू बोलती हूँ। गलती हो जाने पर सॉरी बोल देने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, चाहे तो इंच टेप से नाप कर देख लेना। सच कड़वा होता है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हमेशा झूठ बोलें। जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करो, स्मार्ट नहीं, क्योंकि हमें ईश्वर ने बनाया है, सैमसंग कंपनी ने नहीं। हैप्पी मदर्स डे। वैसे मम्मी का कोई दिन नहीं होता है, मम्मी से ही दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि मुझे उठाने के लिए रोज सुबह पंखा वही बंद करती है। मेरी मां